तो गाइस अभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मतलब उद्यान अभ्यारण्य में हम एंट्री ले गए हैं। और मतलब ये देखो आप अंकल जी। हाँ जी भैया। राम राम। राम राम जी। राम। ये काम चल रहा है? हाँ ये काम चल रहा है भैया। कौन से काम? ये जो बंदर है ना, इन बंदरों से कभी जाके मुलाकात करेगा अभी, है ना रवि? जा रहा है ना? देखो ये सामने बंदर, रवि जा रहा है, ये देखो मिलने। कोई नहीं, पर यार गाइस थोड़ा मतलब बढ़िया ब्लॉगिंग चल रही थी, बट अब मूड ऑफ हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सीन हो गया खराब, वो आप इसी चैनल पे देखना मिस्टर केवीआर के पे। बट क्या बोले यार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज का ब्लॉग काफी शानदार होने वाला है, तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए बस, क्योंकि देखो भाई आज मेरे साथ है दो दो ब्लॉगर गाइस। देखो एक ब्लॉगर रवि भाई जो इनका ब्लॉगिंग चैनल है मिस्टर केवीआर, और अपना भी मिस्टर केवीआर। हां दोनों भाई ये और इन ये भी ब्लॉग बनाते हैं मेरी तरह, जस्ट माय फ्रेंड भाई, बहुत पुराने फ्रेंड है। तो अभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं इनको अमरूद खिलाऊंगा यहाँ पर। ये अमरूद मैं तो डांटा हूँ ऐसे ही खाता हूँ, और मेरे भाई लोग हैं ये, तो क्या है ना इनकी साइड में कम अमरूद है, तो ये तो ज्यादा डांटे हो रहे हैं। माधोपुर जा रहे हैं यार सबसे पहले, और उसके बाद में भी कहीं घूमने का प्लान है, तो अभी ब्लॉग में कंटिन्यू कर रहा है, आपको माधोपुर मिलते हैं ना। कटड़ा है, और आपको बताता हूँ मतलब बहुत देर से बोल रहा था ना सवाई माधोपुर जा रहा हूँ, तो इसी काम से आए थे कटड़े में, चाहिए था मेरे को हमको फोन की स्क्रीन से करवानी है। ना ना फोन ले ले, आईफोन ले रहे भाई, आईफोन। वाह मोदी जी वाह। और आप यहाँ से चलेंगे कहीं पे घूमने? तो गाइस अभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मतलब उद्यान अभ्यारण्य में हम एंट्री ले गए हैं, और मतलब ये देखो आप, ये देखो आप बोल रहा नहीं आ रहा, सही में मेरे को बोल रहा नहीं आ रहा यार गाइस, पर ये देखो भाई एरिया देखो आप, सुनसान इलाका, सुनसान। टाइगर आ गया ना तो किसकी पहले फटेगी, किसकी पहले फटेगी रवि? अरे तुम्हारा भाई है ना, अधिकतर फटती है पीछे वाले की। बिल्कुल आराम, अरे यार क्या देख रहे हो यार, शर्म आती है हमको गाइस, वो गाड़ी में जो लोग गए ना वो सब हमको ही देख रहे थे। पार्किंग की पर्ची। अभी हम गणेश जी के मंदिर मतलब रणथंभौर जो है जिले में आ गए है ना, और गाड़ी पार्क कर दी है पीछे, यहाँ पर मर्सिडीज बेंज वगैरह वगैरह और BMW सारी गाड़ी है। BMW बगल में लग रखी है वो, देखो वो पीछे मर्सिडीज दिख रही है ना पीछे बहुत, तो वो गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब हम जा रहे हैं किले के अंदर। यहाँ पर गाइस पहले गलत जगह पे जा रहे थे, पर अभी सही जगह पकड़ लिया। और ये गेट भाई साहब बहुत बड़ा है, गाइस यहाँ पर देखो आप, क्या बताऊँ ये रणथंभौर किले के बारे में जो भी जानकारी है अरे लिख गए यहाँ पर, क्या बताऊँ यार, यहाँ से चढ़ के आओ ना मेरी सांसें फूल रही है, आपको बताऊँ तो ऐसा देंगे ना रहता। टूरिस्ट का क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज्यादा टूरिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर, टूरिस्टर नहीं टूरिस्ट ओनली। बस बस मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं, आप पढ़े लिखे हो बट मैं आपकी थोड़ी करेक्शन कर रहा हूँ। ये देखो क्या है हमारे साथ स्कूल के बच्चे यार, ये फुल गुंडा बन रहा है यार, शर्ट शूट खोल के। ये हमारा बेबी केयर रूम है, और इस बेबी केयर रूम में मेरे बेबी को खोज मेरे बेबी की खोज करूंगा। मेरी बेबी लास्ट टाइम यहाँ पर खो गई थी। यहाँ पर इंजन वगैरह भी सेट कर रखे हैं यार, क्या बताऊँ, देखो ये मैदान नहीं है, क्या बताऊं आपको, ये है पानी, है पानी के ऊपर परत चढ़ी हुई है,
ये पीछे जो देख रहे हो आप, ये हमीर पहल के पास निकट स्थित एक 32 कम्बाक छतरी जिसपे पूरे 32 पिलर्स हैं। और मेरे भाई लोग क्या गर्म हो गया, हीटिंग इशू ब्रो, हीटिंग इशू। ये 32 कम्बाक छतरी गाइस आपको देख रहे हो ना, ये सामने जो पूरी वही है छतरी छतरी है। अंकल जी, हाँ जी भैया, राम राम। राम राम बेटा, राम। ये काम चल रहा है उसका? ये पे हाँ, ये काम चल रहा है भाई। जा कौन से काम पर? मेरा काम चल रहा है लकड़ी है, जैसे कोई दर्जा दर्जा ला कौन के। मैं आराम से देख रहा हूं वो काई कौन छतरी को। भाई तो देख लो, मैंने यहाँ सुना 32 खम्बा में सु एक खम्बो उठे हुए थे, मतलब अंदर से टोटल 31 खम्बा थे। अरे ये तो केवाड़ी बात बेटा, 32 है मेन खम्बा। ये पीछे काम चल रहा है इस 32 खम्बो छतरी तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं। मैं आगे कर रहा हूँ, ये भी मेरे आगे कर रहा है, और मैं अपनी तरफ से आगे हूँ, ये मेरी तरफ से आगे है। पेड़ों के नीचे जाए क्या हम भी? नहीं नहीं नहीं, पहले अपने लक्ष्य की कसम से चलेंगे यार। वैसे एकदम से ये लगा से अल्ट्रा वाइड का ही काम करने लग जाता है। हाँ बिल्कुल यार। और भाई यहाँ से देखो यार, आपको दिखाता हूँ मतलब कैसा नजारा आ रहा है ना, उसके बारे में मतलब बारे में बताता हूँ आपको। सीन कैसा लग रहा है आप कमेंट करो यार जल्दी जल्दी, और बताओ मैं देखूंगा। गणेश जी भगवान के नजदीक आ गए भाई हम, और मतलब नजदीकियां बढ़ रही है और दूरियां घट रही है। क्या बताऊं मैं, दिल धक धक हो रहा है। हमारे गाइड जिन्होंने हमें को थोड़ा बहुत ज्ञान बांटा था ये जो बंदर है ना, इन बंदरों को सिर्फ अभी जाके मुलाकात करेगा अभी, है ना रवि? जा रहा है ना, देखो ये सामने बंदर रवि जा रहा है ये देखो मिलने। और ये देखो जा रहा है। मैं तो इधर आ गया, और अगर मारेंगे तो इसकी मारेंगे बड़ी आराम से। इसको गधे और घोड़ी में फर्क नहीं नजर आ रहा है यार। अब करेंगे हम बाबा के दर्शन। और ये सामने देख रहे हो आप, ये है हमारे गणेश भगवान, गणेश जी भगवान। और ये उनके वो चेले नहीं है यार, भगत है, भगत जी। और शायद कैमरा ले जाना मना है यार के उसके अंदर, और अलाउ नहीं है शायद कैमरा। मंदिर को देखो भाई, ये ले ली फ्रूटी की चुस्की। भाई यहाँ का एक बहुत गंदा माहौल देखा है मैंने, कि जो गणेश जी के मंदिर में वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फोन चलाना मना है और फोन से फोटोग्राफी करना भी मना है। बट वहाँ पर जाके देखा अंदर, तो वहाँ पर फोन भी से फोटो भी खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बाकी हमने फोन निकाला तो हमें टोक दिया उस चीज के लिए। हाँ यार, यहाँ पे हम आते ही क्यों है, ताकि हम यादें कैप्चर कर सके, तो यहाँ पे फोन यूज करना मना क्यों है? Why they are calling that it is not easy to like bomb?